जब भगवान जीवन में कृपा करते हैं तो उसी व्यक्ति को दुख ज्यादा मिलते हैं। कई बार लोगों को लगता है भगवान का भजन करने के बाद भी इतना दुख, भगवान का जो प्रिय होता है उसको भगवान कुछ ना कुछ अवश्य दुख खटका लगाकर रखेंगे, जिससे उसका हृदय मेरे से दूर ना हो जाए, संसार में कहीं भटक ना जाए, ममत्व में फंस ना जाए। उसको कोई ना कोई ऐसा दुख अवश्य देंगे जिससे उससे प्रभु की याद बनी रहे। वो जब जब वहां से दुखी होगा तो मेरा स्मरण करेगा, मुझे पुकारेगा। इसलिए प्रभु अपने भक्त को छोटा मोटा कुछ ना कुछ देते ही देते हैं, और ये उनकी कृपा है। ज्यादा सुख दे दिया तो महाराज हम तो भूल भाल जाते हैं। दिल पे हाथ रख के बताओ, भूलते कि नहीं भूलते? कहाँ टाइम मिलता है हमको है? फिर तो हम कहते हैं टाइम मिलेगा तब भक्ति करेंगे, टाइम मिलेगा तब ऐसा करेंगे, टाइम मिलेगा तब देखेंगे ना अभी क्या उम्र पड़ी है हमारी, अभी तो करेंगे आगे। लेकिन जीवन में कोई कष्ट होता है तो फिर प्रभु ही याद आते हैं। जब सबके दरवाजे बंद हो जाते हैं तब कौन याद आता है? तब लगता है एक ही दरवाजा हमारे लिए हमेशा खुला है, और वो प्रभु ही है महाराज। दुनिया के किसी भी रिश्ते के एक समय ऐसा भी आता है कि चाहे आपके कितने प्रिय रिश्ते हों, आपके विपरीत खड़े हो जाते हैं। सबने सामना किया होगा, सबके अपने खुद के संसार के, हमारे खुद के अपने अनुभव हैं, लेकिन एक दरवाजा कभी नहीं बंद होता, और मैं कहूंगी दो दरवाजे कभी बंद नहीं होते। पहला भगवान का, दूसरा गुरु का। अगर गुरु का दरवाजा जिस दिन बंद हो गया महाराज, फिर तो भगवान भी मुख मोड़ लेते। इसलिए गुरु ऐसा दिव्य आत्मा होना चाहिए जो प्रभु जैसा हो। संकुचित धारणा वाला नहीं गुरु बन सकता, केवल सामाजिक चीजों को देख करके ही भेद दृष्टि रखे वो गुरु कहलाने लायक नहीं है। गुरु बहुत बढ़िया पद है, गुरु की विचारधारा इतनी ऊंची होती है, मारा उसकी चेतना ही इतनी होती है, तभी तो अपने शिष्य का कल्याण कर सकता है, तभी तो उसे भगवत मार्ग पे लगा सकता है। जिसकी चेतना ही इतनी नीचे स्तर पे है कि वो वेद करता है कि ये पैसा वाला है, इस शिष्य से अच्छे से बात करनी है, वो ठीक पैसा वाला नहीं है इसलिए ये अब किसी काम का नहीं है, वो गुरु नहीं हो सकते। कई बार हम आकर्षण के कारण गुरु बनाते हैं, इनके पास कितना धन है, कितनी प्रतिष्ठा है तो गुरु बनाए। क्यों? वहां जाएंगे तो आश्रम में रहने को मिलेगा, हर डिस्ट्रिक्ट में इनके आश्रम है, ऐसा है वैसा है। ऐसे शिष्य महाराज ना तो खुद पार हो सकते हैं, ना इनको कभी भगवत मार्ग मिल सकता है, क्योंकि ये स्वार्थ में ही आकर के बना रहे हैं।